हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राणा प्रताप सिंह बिंग काइंड एंड हैप्पी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो झारखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो लिलोरी मंदिर माँ नीलकंड वासिनी का, इस मंदिर के पास एक पार्क है अमृत पार्क, और उसके बगल में एक अधिनिर्मित ये जल मीनार है। इसमें एक कोबरा देखा गया है मजदूरों के द्वारा। मजदूर कोबरा को देखकर भाग गए थे। फिर मैं यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद उनके द्वारा ये कहा गया कि इन पत्थरों के बीच में कहीं कोबरा घुस गया है, क्योंकि वो टॉर्च लेकर दूर से ही देख रहे थे। तो मैंने जब नज़दीक से जाके देखा, पत्थरों को हटाकर काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि पत्थरों के बीच में सांप जब घुसते हैं तो किधर की ओर वो जाते हैं ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने सभी पत्थरों को हटाने के बाद धीरे 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 करके जब लोगों की मदद से, क्योंकि वहाँ पर टॉर्च और लाइट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, काफ़ी लोग आए मदद करने के लिए, और जब मैंने देखा तो ये देखिए, ये है बड़ा साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, जिसको हम लोग भारतीय नाग भी कहते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है और ये जहर हमारा नस तंत्रिका पर असर करता है। आप देख सकते हैं कि वो अपने आप को पत्थरों के बीच किस तरह से फंसा लिया था, कि सब्बल के मदद से हम लोगों को पहले पत्थर को साइड करना पड़ा, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी भी तरह से चोट ना लगे। देखते हैं, देखिए ये जो कोबरा है इसको एकदम सुरक्षित ढंग से निकाल लिया गया है, एक जरा भी इसको कहीं चोट नहीं लगा। लोगों का ये सवाल था कि क्या ये उड़ के काट सकता है, तो मैं उनको ये समझा दिया कि ये उड़ के कभी नहीं काटेगा, क्योंकि इसके पास कोई पंख नहीं है। और जो उड़ने वाले सांप होते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि सांप उड़ते हैं, तो उड़ते नहीं है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में वो छलांग लगाते हैं और शरीर को रिबन के जैसा बना लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग इसके अगल बगल में हम खड़े हैं, इसके अगल बगल में खड़े रहने के बावजूद भी यह मुझे बाइट नहीं कर रहा। जब मैं इसे प्रोवोक कर रहा हूँ, इस तरह से पैर को हिला रहा हूँ, इसका कंसंट्रेशन अपने और खींच रहा हूँ, तो इस दौरान ये भले हमको बाइट करने का या फिर डराने के लिए फन अपना मारता है। जैसे देखिए, ये मेरे ऊपर अभी अटक किया। ऐसा अमूमन वो डिफेंस में करता है, वो आपको जान से मारने के लिए नहीं करता है। जब वो फंस जाता है, जब वो देखता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तब वो इस तरह से हुड को अपना खड़ा करता है, फोन को अपना खड़ा करता है, डराने का कोशिश करता है। और अब तक ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे भागने का कोशिश कर रहा था, मेरे ऊपर अटैक तभी किया जब मैं इसको प्रोवोक किया। बस इसी चीज़ को लोगों को समझना है, सांप हमारे दुश्मन नहीं है, सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या होगा अगर हम लोग सांपों को अपना जो प्रकृति है यहाँ से हटा देंगे, तो सांप जिसका शिकार करते हैं, खास कर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं चूहे, अगर चूहे का संख्या बढ़ गया तो आप समझ सकते हैं प्लेग जैसा महामारी बढ़ सकता है। और सबसे खतरा जो हमारा चूहों के साथ है वो है हमारा अनाज, अनाज फसल और सब चीज़ को वो पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसीलिए हर जीव जंतु का, एक छोटे कीड़े से लेकर बड़े जो जीव जंतु है, हर किसी का प्रकृति में होना जरूरी है। ये देखिए हमारे भाई साहब, ये हमारे लिए वीडियो बना के दिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और देखिए, ये कोबरा के बारे में लोगों के बीच में बहुत उत्सुकता बना रहता है कि आखिर ये सांप आँख से फोटो खींच लेता है, ये बदला लेता है। देखिए, सांप का आँख कोई कैमरा नहीं है और ये कोई बदला लेने का प्रवृत्ति रखता नहीं है, इसको याद भी नहीं रहता कोई भी चीज़। ठीक है, हम लोग का ब्रेन जिस तरह से दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ रहता है, सांप का इस तरह से हेमिस्फीयर में बटा भी नहीं रहता है। देखिएगा तो सांप एक गजनी टाइप का होता है। फिर हम लोगों ने एक बोरे को मंगाया और बोरे को मंगाने के बाद उसमें सुरक्षित सांप को धीरे 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 करके इंटर करवा लिया। देखिए, सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं सांप पकड़ रहे हैं, बचा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा के साथ छोड़ना जरूरी है। कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आइए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल के बीच में जहाँ इसे रिलीज कर दिया जाए। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो लिलोरी मंदिर है, वहाँ पे जो अधिनिर्मित पानी का टंकी, वहाँ पे जो मजदूर थे उनके द्वारा ये शिकायत मिला था कि एक सांप देखने को मिला है, कोबरा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं इसको रिलीज करने के लिए, साथ में इतने सारे लोग आए हुए हैं और ये काफ़ी रात है अभी, और ये लोग आए हैं मदद करने के लिए, काबिल तारीफ है। चलिए, हम इसको अब बिना देर किए रिलीज करते हैं। क्या कर रहे हैं यार माता ना दोस्त, चलो ही नहीं ठीक है अपना, चला जा चला जा, चला जा चला जा। देखिए कोबरा आराम से अपना प्रकृति का आवास में जाते हुए। और ये है पीछे, दिखाइए इधर, आप पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, पीछे पूरा फॉरेस्ट एरिया है। इसी तरह से हम लोग सांपों को और बाकी जंगलों को बचाने का काम करते हैं, और ऐसे ऐसे अगर लोग मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा मजबूती बनता है, जिस तरह से एक मुट्ठी बनता है।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।